क्या आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं और आप इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स के बिना अपने यूट्यूब चैनल का लिंक अपने इंस्टाग्राम पे लगाना चाह रहे हैं? तो आज की वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके 10 के फॉलोअर्स नहीं भी हुए इंस्टाग्राम पे, तब भी आप स्वाइप अप का ऑप्शन लगा सकते हैं, आप अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे 10 के फॉलोअर नहीं हो पाते, हमारे 8 के 9 के फॉलोअर होते हैं, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि जितने भी हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके और हमारी ऑडियंस का जो रिटेंशन है वो भी अच्छा मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके अगर 10 के फॉलोअर्स नहीं भी हुए हैं, तब भी आप अपनी यूट्यूब का लिंक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगाएंगे, काफी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें उन लोगों ने बताया होगा कि आपके अगर 10 के फॉलोअर्स हो जाते हैं तभी आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके 10 के फॉलोअर नहीं भी हुए तब भी आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपनी एक छोटी सी वीडियो को मतलब रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए हाँ हमें अपने यूट्यूब चैनल की मतलब बारे में बताना है, तो आपको इस तरीके से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है कि हेलो दोस्तों मेरी नई वीडियो आ चुकी है, आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आप लोग इस तरीके की आप एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके बाद आपको क्या करना होगा वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप अगर 10 के फॉलोअर्स के बिना अपने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का लिंक लगाना चाहते हैं स्टोरी में, तो वो आप कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। यहाँ से हम इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पे, आपको अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है। जब आपको ऊपर एक प्लस का आइकन दिखता है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा IGTV वीडियो, तो आपको क्या करना है IGTV वीडियो पे जाना है और यहाँ पे आपको एक मिनट से ज़्यादा की कोई भी वीडियो आपको अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। चाहे आप किसी भी तरीके से इसको लगाना चाहें कि स्वाइप अप कीजिए या लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारी वीडियो को देखिए, आपको पहले एक मिनट की वीडियो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से आपको एक मिनट से ज़्यादा की वीडियो वो आपको यहाँ से इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप तो देखिए दोस्तों ये वाली जो वीडियो आपको दिख रही है ये एक मिनट से ज़्यादा की वीडियो है और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले तो इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम आपको पूरी प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट ही अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पे आपको ऊपर नेक्स्ट करने के बाद और इसको यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है ऊपर, और यहाँ जो आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में आप जिस वीडियो का लिंक डालना चाहते हैं आपको वो लिंक यहाँ पे डाल देना है। जब आप यहाँ पे वो लिंक डाल देंगे और टाइटल में आप लिख सकते हैं कि स्वाइप अप या मतलब क्लिक ऑन द लिंक, तो क्या करना है फिर आप यहाँ पे जब लिख देंगे फिर आपको पोस्ट टू IGTV पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने इस वीडियो को पहले से ही मतलब अपलोड करके रखा है यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखा दिया ये वाली वीडियो मेरी अपलोड है जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रही है। फिर आपको क्या करना है अपनी स्टोरी वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक करना है और एक यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू योर स्टोरी। तो यहाँ पे जब ऐड टू योर स्टोरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, वीडियो आपको अपनी 1-6-7 सेकंड की आप कितनी भी छोटी बना लीजिए कि दोस्तों मेरी नई वीडियो आ चुकी है और आप उस पे जाके क्लिक कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। हेलो दोस्तों मेरी नई वीडियो आ चुकी है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जाके और नई वीडियो को चेक जरूर करें। तो फ्रेंड्स वैसे आपको ऊपर लिंक का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर आप जब IGTV वीडियो अपलोड कर देते हैं फिर आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। जब आप इस लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपको IGTV वीडियो का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपको जो भी IGTV यहाँ पे हमने जो अभी अपलोड की है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे स्टिकर के ऑप्शन पे जाके एक कोई सा भी आप स्वाइप अप का ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपको काफी स्टिकर देखने के लिए मिल जाते हैं स्वाइप अप के, तो यहाँ से हम स्वाइप अप को सर्च करेंगे। यहाँ नीचे आपको देखिए स्वाइप अप के इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम कोई भी एक स्टिकर यहाँ से उठा के और अपनी वीडियो पे लगा देंगे, ताकि कोई भी हमारी वीडियो पे आए तो वो नीचे लिंक पे दिए हुए स्वाइप अप कर सके इस पे। तो सबसे पहले हम स्टोरी को शेयर कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। तो जब ये स्टोरी मतलब जब शेयर हो जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे कि आप लोग मतलब कि ये हमारा जो तरीका है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्टोरी को शेयर हो जाने दीजिए, शेयर हो जाएगी ये स्टोरी तो अपने आप ये काम करने लगेगी। तो अभी हम देखते हैं दूसरे अकाउंट से चेक करके कि यहाँ पर ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। और मेरी भी आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे अभी 10 के फॉलोअर्स नहीं हुए हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी 10 के फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे भी।
तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, हम दूसरे अकाउंट से देख रहे हैं चेक करके। तो आपको नीचे देखिए वॉच वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा है, जब आप स्वाइप अप करेंगे तो आपको ये ऊपर मिल जाएगा ये वीडियो का लिंक देखने के लिए। आप क्लिक करेंगे क्लिक ऑन द लिंक पे तो आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो पर पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।